तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चश्मे बद्दूर व्लॉग्स में। वीडियो का टाइटल देख के तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज की इस वीडियो में मैं एक तरीके का चैलेंज अपने साथ करने जा रहा हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने रिसेंटली साइकिलिंग शुरू करी है और मुझे काफ़ी पसंद है। सही बताऊँ तो करना तो मैं पहले से ही चाहता था लेकिन मेनली ऐसा टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन फिलहाल अब हमें पता ही है कि घर पर ही हैं अभी कुछ टाइम के लिए, ऑफिस तो पता नहीं कब से ही खुलेंगे। तो मैंने सोचा कि अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि अपनी जो हॉबी है, जो चीज़ हमें पसंद है, उसको ही पूरा कर लिया जाए। तो जैसे मैंने बताया कि आज की वीडियो एक तरीके का चैलेंज होने वाली है, जैसे मैं करने जा रहा हूँ, आई एम जस्ट अ बिगिनर। तो वीडियो में मैं 10 किलोमीटर राइडिंग का चैलेंज करने जा रहा हूँ, जो कि आई थिंक एक बिगिनर राइडर के लिए आसान नहीं है। जब हम छोटे हुआ करते थे तो आई थिंक 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर डेली बाइसाइकिल पे अपना राइड कर ही लेते थे। स्कूल बचपन में इतनी दूर हुआ करते थे, फिर उसके पर दो दो तीन तीन ट्यूशन जाना। बचपन में जो चीज़ें करना आसान था, शायद इस टाइम पे वो करना आसान है या नहीं, यही देखने के लिए आज मैं ये चैलेंज करने जा रहा हूँ। तो मैंने अपने फ़ोन में GPS स्पीडोमीटर ऐप इंस्टॉल कर लिया, उससे मुझे अपनी स्पीड और जो डिस्टेंस मैं कवर करने जा रहा हूँ उसका सही सही पता पड़ जाएगा। तो मैं आपको एप्लीकेशन दिखा देता हूँ और अभी स्क्रैच से हम शुरू करते हैं। एक सेकंड रुक। तो दोस्तों ये देख लीजिए, इस तरीके से कुछ ऐप है जिसमें टोटल डिस्टेंस है जो अभी 0 शो कर रहा है और टाइम भी देख लीजिए, अभी 6:23 हुए हैं शाम के। और यहाँ से मैं अपनी ट्रिप को जो है स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो चलो दोस्तों देखते हैं कि ये जो 10 किलोमीटर का ये चैलेंज मैंने लिया है, ये मैं कंप्लीट कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, और कर पाता हूँ तो इसे करने में मेरे को कितना टाइम लगता है। तो चलिए यहाँ से हम अपनी इस ट्रिप को शुरू करते हैं। भाई लोगों, अभी मैं कुछ देर ही चलाऊं और मैं यहाँ हाईवे पर आ गया हूँ। ये जो हाईवे है ये उत्तराखंड जाने वाला हाईवे है, इसी हाईवे से आप सीधा देहरादून ऋषिकेश के लिए जाते हैं। लेकिन अभी उत्तराखंड में लॉकडाउन लगा हुआ है तो वहाँ पर जाने का या वहाँ की कोई राइड का तो कोई प्लान इस तरीके का भी नहीं बन पाया। लेकिन फिर भी जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है और चीज़ें नॉर्मल होती हैं उसके बाद आई विल ट्राई टू राइड ऑन दीज प्लेसेस, नॉट बाय बाइसिकल एक्चुअली, आई विल यूज माई बाइक फॉर दैट। तो दोस्तों मुझे इस ट्रिप को शुरू करे हुए कुछ देर हुई है और मैं शुरुआती 2 किलोमीटर को ईजिली कंप्लीट कर चुका हूँ। मैं सही बताऊँ तो 2-3 किलोमीटर तो मैं इजीली एवरीडे बाइसाइकिल राइड कर रहा हूँ अभी पिछले कुछ दिनों से। आई थिंक इट वाज नॉट ए वेरी बिग टास्क फॉर मी। असली जर्नी तो आगे 2-3 किलोमीटर के बाद शुरू होगी। तो दोस्तों अपने इस चैलेंज की हाफ ट्रिप मैं अभी रिसेंटली कंप्लीट कर चुका हूँ। बहुत इजीली मैं इस ट्रिप के 5 किलोमीटर कंप्लीट कर चुका हूँ। कोई इतनी ज़्यादा मुझे थकावट अभी नहीं हो रही है लेकिन आगे के 5 किलोमीटर शायद चैलेंजिंग हो सकते हैं, लेकिन देखते हैं। आई थिंक आई एम मेड फॉर सम बिग चैलेंजेस। लेकिन दोस्तों अपनी लिमिट्स पहचानने के लिए शुरुआत
हमेशा छोटे नंबर से ही की जानी चाहिए, तो वही मैंने किया है। अभी शुरुआत में ही मैं 50 किलोमीटर का चैलेंज तो कर नहीं सकता था, उससे मुझे काफ़ी नुकसान हो सकता था। आई थिंक मैं इस ट्रिप को बहुत ही इजीली कंप्लीट कर पाऊँगा, हालांकि मेरा गला थोड़ा सा सूख रहा है, मुझे प्यास भी लगी है, लेकिन आई एम कंटिन्यू टू माई राइड एंड आई विल मेक श्योर आई विल स्टॉप इट वंस माई 10 किलोमीटर्स चैलेंज इज कंप्लीट फॉर द डे। तो दोस्तों देखते हैं लास्ट के 5 किलोमीटर को कंप्लीट करने में मुझे कितना और टाइम लगता है। अभी चलते चलते अंधेरा हो चुका है, आई मीन टू से के दिन ढलने लगा है, लगभग 7:05 हो चुके हैं और अभी भी मेरी ट्रिप में 1 किलोमीटर बचा हुआ है। हाँ दोस्तों, मैं अपनी ट्रिप में 9 किलोमीटर्स को कंप्लीट कर चुका हूँ। अब मैं सीधा आपसे मिलता हूँ जब मेरे 10 किलोमीटर पूरे हो जाएंगे और आपको टाइम दिखाऊँगा। लगभग 6:06 पर मैंने अपनी ट्रिप स्टार्ट करी थी और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस टाइम ये मेरी ट्रिप कंप्लीट हुई है और 10 किलोमीटर को कंप्लीट करने में मुझे क्या प्रॉब्लम हुई और कितने टाइम में मैं ये कंप्लीट जो ट्रिप है ये कंप्लीट कर पाया। खुशखबरी दोस्तों, मेरी आज का ट्रिप का जो 10 किलोमीटर का चैलेंज था वो कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं आपको टाइम दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं टाइम हुआ है 7:18। जस्ट नाउ मैंने अपना जो ये 10 किलोमीटर की ट्रिप का जो चैलेंज था उसको कंप्लीट कर लिया है। सही बताऊँ तो थोड़ी सी तो थकावट मेरे को हो रही है, लेकिन मतलब इतना ज़्यादा मैं ऐसा फील नहीं कर रहा कि बस अभी बिस्तर पर जाकर ही पड़ जाऊँ। आई हैव मोर स्टेमिना, आई कैन राइड मोर, बट आई विल नॉट बी डूइंग इट टुडे। इट इज़ जस्ट द स्टार्टिंग एंड इन द स्टार्टिंग वी ऑलवेज नीड टू स्टार्ट विद अ स्मॉल नंबर। तो मैंने भी एक छोटा सा नंबर अपने लिए चूज़ करा, आज का माइलस्टोन था 10 किलोमीटर का और वो इजली पूरा हो चुका है। आई एम रियली हैप्पी, आई होप यू ऑल्सो एन्जॉयड द वीडियो टुडे एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन। एंड ऐसे चैलेंजेस मैं अपने लिए करता ही रहूँगा और जब वीडियो बनाते हैं तो एक मोटिवेशन सा मिलता रहता है, हमें पता रहता है कि हम किसी भी तरीके से चीट नहीं कर सकते। और इस तरीके के कुछ चैलेंजेस अपनी हेल्थ के लिए और आपको मोटिवेशन देने के लिए करता ही रहूँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए चश्मे बद्दू ब्लॉग्स। बाय बाय।